हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक है? चलिए, मैं भी ठीक हूँ। और पढ़ाई कैसे चल रहा है ना? बढ़िया। ओके, आई होप कि आप सभी का बढ़िया चल रहा होगा, है ना? बस एग्ज़ाम में मात्र 5 से 6 मंथ बचे हुए हैं, सो लग जाओ, है ना? और डोंट थिंक मच मोर, है ना? ज़्यादा दुखी मत हो, ज़्यादा मत सोचो, है ना? जो भी होगा, व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ, सो यू डोंट वरी बच्चों। आज जो फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स है ना, उसका एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर के आया हूँ। बेसिकली उसमें हम लोग आज डील करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। हाँ, कि भाई ये माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, कितने तरह के होते हैं और क्या यूजेज है ना? तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप को लेकर के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे 12th का, है ना, एग्जाम हो, वो चाहे नीट का एग्जाम हो, वो चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, है ना? यहाँ से क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, तब यहाँ से डेरिवेशन 5 मार्क्स के कन्फर्म बनते हैं। वो चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, है ना? तो 5 मार्क्स का अगर डेरिवेशन है, तो इसको हम लोग बढ़िया से समझना होगा, है ना? माइंड को कंसंट्रेट करना होगा कि भाई माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कैसे है और कितना इजिली वे में हम लर्न कर सकते हैं। लिए चलिए, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जेईई मेंस और मेडिकल में, फिलहाल बात करेंगे वो भी। पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और फिलहाल इसका डेरिवेशन कैसे करना। ओके, सो हम लोग पहले भी, आप कभी सुने होंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है ना, बचपन में कभी ना कभी या मूवीज वगैरह में देखे होंगे माइक्रोस्कोपिक को, है ना? माइक्रोस्कोप लगाकर आई के पास, है ना, अपने आंख के पास दूर चीजें को देखते हैं, है ना? दूर रखी वस्तुओं को देखते जो तेरे को दिखाई ना दे, है ना? उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? आप लोग को कंसंट्रेट करना है ना? चलिए, तो लेट ना करते हुए आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल में, है ना, वेलकम है। स्टडी विद दीपू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ये माइक्रोस्कोप क्या होता है ना? उसके बाद हम लोग डील करेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं। तो हेडिंग है माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? विच आर यूज टू मैग्निफाई। मैग्निफाई का मतलब होता है बड़ा करना, है ना? मैग्निफिकेशन का मीन्स ही होता है बड़ा, है ना? मैग्निफाइंग द वेरी टीनी ऑब्जेक्ट, बहुत अगर छोटा ऑब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को देखना है अगर, तो यू कैन यूज व्हाट? माइक्रोस्कोप, है ना? तो ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन इजिली बाय नेकेड आई। अगर आप नंगी आंखों से कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पा रहे हो, और उस ऑब्जेक्ट को अगर देखना है ना, बड़ा करके देखना है, मैग्निफाइड करके देखना है, देन यूज व्हाट? माइक्रोस्कोप, है ना? चाहे ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज क्या करते हैं, सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, है ना, जो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है ना? जैसे कि आप देखे होंगे ना कि कॉपी में आप कुछ भी, यहाँ पे आप क्या करो कि कुछ भी कॉपी में आप लिख दो, है ना, एसयू भी आपको, है ना, आई लव यू, है ना, चल मान के चल आई लव यू लिख दिए, उसको अगर देखना आप नहीं देख पा रहे हो, है ना, तो आप माइक्रोस्कोप आप देखते हैं कि एक छोटा सा, है ना, इस तरह का कुछ, इस प्रकार का शेप का आता है ना, ऐसे कुछ, है ना? इसका यूज करके हम लोग, है ना, उस लिखा हुआ आई लव यू को हम लोग देख सकते हैं बड़ा करके, है ना? कंडीशन होते हैं, इसके लिए हम लोग को डिटेल चर्चा तो करेंगे। फिलहाल माइक्रोस्कोप अगर आ जाए तो क्या लिखोगे? एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी छोटे पार्टिकल, छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना, जो अपने नेकेड आई से क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या फर्क है हम लोग चर्चा करेंगे भाई। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसका यूज कहाँ करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसका यूज कहाँ करेंगे? सब चीज हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल, है ना? तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के। तो ये फिलहाल लिखे जल्दी, है ना? चलिए, हाँ, तो चलिए बच्चों, हेडिंग है सिंपल माइक्रोस्कोप।
चलिए पहले समझेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके बाद हम लोग समझेंगे है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अच्छा बच्चों यहाँ से है ना कुछ हम लोग को बूटी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आगे बहुत काम आएंगे। हाँ रेडी, चलिए कंसंट्रेट कर लिए डिटो, अभी हम लोग डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे, सो यू डोंट वरी, ओके कंसंट्रेट कीजिए। चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग, कुछ नहीं है, है ना। अगर तेरे से पूछे कोई कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है तो तू क्या बोलना बेटा, ये कुछ नहीं है, नथिंग है ना, देन यू विल गेट व्हाट, जीरो मार्क्स है ना, बड़ा सा लड्डू पाओगे अगर बताओगे कुछ नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कि इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल, कुछ नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है बस, है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है बस, कंडीशन यही है कि इसका फोकल लेंथ को हम बहुत स्मॉल रखे, छोटा रखे। अच्छा ये माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, जिसका फोकल लेंथ को छोटा रखा गया। क्यों रखा गया है हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, है ना, क्यों रखा गया हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका फोकल लेंथ स्मॉल क्यों ले रहे, यू डोंट वरी, है ना। चलिए तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई बड़ा हार्ड है नहीं, है ना, कुछ बड़ा एकदम मतलब साइंस है नहीं इसमें, है ना। चलिए अच्छा कुछ कुछ बेसिक एक कुछ वर्ड समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम लोग माइक्रोस्कोप है ना टेलीस्कोप वगैरह में यूज करेंगे, तो फिलहाल वो चीज को अभी ही क्यों ना समझ जाए, है ना, ताकि आगे दिक्कत ना करे। एक बेटा वर्ड होता है लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। ये सर ये क्या लिख दिया LDDV, है ना, ये LDDV है ना। सर हम तो ये सुने हैं DDL से सुने हैं। सर हम तो आज तक ये सुने थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन सर आप ये क्या बता दे रहे हैं ना, LDDV आप क्या बता दे रहे। चलिए अगर आप दिलवाले दुल्हनिया ले गए होंगे तो आज हम लोग भी LDDV को समझ जाएंगे बढ़िया तरीका, चलिए है ना। चलिए दिलवाले दुल्हनिया की तरफ नहीं मूव करेंगे, हम लोग समझेंगे कि भाई ये LDDV होता क्या है, सिंपली एक एग्जाम्पल से समझो LDDV होता क्या है। लिस्ट डिस्टेंस एक वैसा मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, एक वैसा मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस, सो दैट हम लोग का जो आई है ना, हम लोग का जो आई है वो मिनिमम डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। सर नहीं समझ आ रहा ये क्या बोल रहे, मेरे को कुछ धस नहीं रहा है ना, आप जो भी एकदम बिल्कुल मजा नहीं लग रहा है समझने में, क्या बताना चाह रहे, सिंपली एक एग्जाम्पल से समझते। आपके पास ये मार्कर है, फिलहाल ये मार्कर मेरे से दूर है, रेडी, चलिए इस मार्कर को हम मान के चलिए यही मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को हम बढ़िया तरीका से अभी क्या कर पा रहे, देख पा रहे, देख पा रहे, हाँ देख पा रहे, देख पा रहे, देख पा रहे, बहुत बढ़िया। आप अपने करीब लेके आइए, आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, और करीब लेके आइए, और करीब लेके आइए, और करीब लेके आइए, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनिमम डिस्टेंस आई से होगा है ना, जहां तक उस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को और करीब अपने पास लाइएगा है ना, ये आपका आंख स्ट्रेस फील करेगा, मींस आपकी आंख में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इमेजिन, आपको बिलीव नहीं होता तो आप घर में खुद करके देख सकते हैं ये चीजें। ये ऑब्जेक्ट जब दूर था तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई आंख पे फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी तरह का, है ना, किसी भी तरह का पेन फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही करीब लाइएगा ना तो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जहां उसके बाद, अगर उसके उसके बाद अगर आप अपने आई के करीब लाने का कोशिश किए, आपका आंख में पेन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस फीलिंग हो जाएगा। तो भाई वही मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, LDDV कहलाता है। जैसे मान के चल कि यहां तक ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तक आप क्लियरली देख पा रही हो ऑब्जेक्ट, क्लियर, अब इसके करीब लाए तो मेरा आई स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी वस्तु को 10 सेंटीमीटर तक मानने में क्या जाता है, 10 सेंटीमीटर तक बढ़िया तरीका से देख पा रहे हो,
अगर 10 से जैसे ही 9 करे, 9 सेंटीमीटर करे, आपका आपको ऐसा फील होगा कि शेष लग रहा है, मींस अब वो नहीं होगा, है ना। मींस 10 से आप 11 कर दो, बहुत बढ़िया, 12 कर दो, बहुत बढ़िया, 20 कर दो, बहुत बढ़िया, इतना थिंग, है ना। लेकिन जैसे ही 10 से करीब और 9 लाओगे, आपका आई पे प्रेशर बनेगा, तो वही 10 सेंटीमीटर इज कॉल्ड व्हाट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए समझते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस, वैसा मिनिमम डिस्टेंस एच बी, जहां पर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जहां पर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं, है ना, वो भी मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं, वही मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, LDDB। और ये ह्यूमन आइज के लिए कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, है ना। ये ह्यूमन आइज के लिए कितना है, 25 से, मींस क्या है, 25 सेंटीमीटर के अगर करीब लाओगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ये आपका आंख में, है ना, स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस पेन करना स्टार्ट हो सकता है। 25 से दूर ले जा, इट डजंट मैटर, बट 25 से करीब लाओगे, है ना, तो थोड़ा सा फील होता है, तो वही मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, LDDB। अच्छा, यही इतना लंबा क्यों लिखे हम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्यों लिखे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आगे DB लिखेंगे, ठीक है, तो समझ लियो। चलिए, ये तो हो गया बूटी, है ना, ये बूटी जो कि आपको, है ना, माइंड में हमेशा रखना है बूटी को लेकर के, श्योर। चलिए, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो आता है बेटा यहां से स्टार्ट होता है। व्हाट इज, सबसे पहला एक टर्म जानेंगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पोर्शन में भी पढ़े होंगे, मैग्निफिकेशन, हाइट बटा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI बटा HO, याद कीजिए, है ना। एग्जैक्टली यहां पे मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इस चीज को अगर ये मैग्नीफाइंग पावर को आप समझ लिए, है ना। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे आगे फिलहाल, और ये एम का एक फॉर्मूला बनता है, बीटा अपन अल्फा, ये फॉर्मूला बनता है एम बराबर बीटा अपन अल्फा। अगर ये चीज को समझ गए तो बेटा ये चुटकी भर में खत्म हो जाएगा माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन, फिर एकदम लगेगा हवा जैसा, बहुत मजा लगेगा। बट उसके लिए क्या समझना है, मैग्नीफाइंग पावर को समझना है, श्योर। चलिए समझते हैं, ये मैग्नीफाइंग पावर क्या कहलाता है, समझते पहले क्या बोला जा रहा है कि एक रेशियो है, बहुत बढ़िया बात है भाई, रेशियो है, किसका रेशियो है, जैसे याद कीजिए वो मैग्निफिकेशन पढ़ते थे तो ये हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो रेशियो था, ये किसका रेशियो था, सर ऑब्जेक्ट इमेज का क्या हाइट है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बहुत बढ़िया बात है, एग्जैक्टली यहां भी है रेशियो, लेकिन किसका रेशियो है, एंगल का रेशियो, यहां पे हाइट का नहीं है, यहां पे एंगल का रेशियो है ना, मजा लगेगा पक्का। चलिए, तो ये बोला जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर की, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल, बहुत बढ़िया। अब ये किसका, किस कौन कौन सा एंगल का भाई रेशियो है, है ना, जैसे कि यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ हाइट, किसका किसका भाई हाइट, तो ऊपर किसका हाइट था, इमेज का हाइट, नीचे किसका था, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो भाई एंगल होगा तो किसी का तो होगा ना, एग्जैक्टली है भाई, यू डोंट वरी, है ना, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है पक्का। चलिए, तो ये किसका एंगल है, फॉर्म्ड बाय द इमेज, बहुत बढ़िया, जो भी इमेज के द्वारा एंगल बन रहा होगा। अब सर ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए पागल जैसा, समझ नहीं आ रहा है, इमेज के द्वारा एंगल कैसे बन रहा होगा, यू डोंट वरी, है ना, अभी डायग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे इस चीज को, जब डेरिवेशन करेंगे ना तो मजा लगेगा, है ना, बस उसके पहले हम समझा दे रही है, ठीक है। चलिए, है ना, तो क्या बोला जा रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, मींस क्या है कि एंगल बन रहा है किसके द्वारा, इमेज के द्वारा, है ना, टू द एट द आई, आई के पास जो भी है ना, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया बात है, है ना। मींस क्या आप लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन क्या है कि एंगल बना इमेज के द्वारा, टू द एंगल बन रहा किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, बहुत बढ़िया बात है। कब, एट द आई, व्हेन, कब, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कब, ये अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, कब, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
कब ये मैग्निफिकेशन निकालेंगे या कब निकाल रहे हैं, कब ये रेशियो लेंगे इमेज का बटा इमेज का एंगल का रेशियो बटा ऑब्जेक्ट का एंगल का रेशियो कब लेंगे, जब ये दोनों कहाँ पे रखा होगा, कब सपोज कर रहे हैं, कहाँ पर मान के चल रहे हैं, जब दोनों को कहाँ रखा गया होगा, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब LDDB पे रखा होगा, मीन्स 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा ह्यूमन आइज के लिए। हम लोग समझेंगे, है ना, यू डोंट वरी, हम लोग सब समझेंगे कि क्या बोलने का फर्क, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, है ना, रेडी। चलिए, तो ये लिख लिए होंगे तो हम लोग समझते हैं कि क्या बोलने का मीनिंग है, है ना, यू डोंट वरी कि मैग्निफिकेशन क्या है, श्योर। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे, उस डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगा, इसका डिफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। बस आप याद रखिए कि मैग्निफिकेशन बराबर बीटा बाई अल्फा होता है, ये बीटा कहीं ना कहीं कंफर्म है कि इमेज के द्वारा एंगल बन रहा होगा, और ये अल्फा जो है वो किसके द्वारा बन रहा होगा, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा होगा, बहुत बढ़िया बात है, श्योर। चलिए, है ना, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं दोस्त, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन की तरफ, यू डोंट वरी, है ना, हम लोग को सब समझ में आएगा, है ना। चलिए, अब बूटी को याद रखिएगा कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDB क्या होता है, कि एक मिनिमम से मिनिमम वैसा डिस्टेंस होता है जहां तक हमारी आंख जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता हो, है ना। चलिए, अगर मैग्नीफाइंग पावर का बात करें तो क्या होता है, सर ये कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं, ये तो रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, एंगल का रेशियो है, किसका, इमेज का, और नीचे किसका, ऑब्जेक्ट का, कब, जब दोनों को कहाँ पे रखा जा रहा होगा, LDDP पे, सवाल आइए आइए। चलिए, है ना, तो आप जानते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कुछ नहीं है कॉन्वेक्स लेंस, अब ध्यान से देखिएगा डेरिवेशन, है ना, एकदम बारीकी से समझिएगा डेरिवेशन, हम सिंपल माइक्रोस्कोप का है ना। चलिए, ये आपका ये क्या है कि एक लेंस बनाया, हाँ यही तो है मेरा लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बेटा, ये आपको पता होगा कि ये क्या है, ये मेरा आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। चलिए, दिस इज द व्हाट ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द व्हाट ऑप्टिकल सेंटर, है ना, आपको पता ही है ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे आप, है ना, फोकस दे दीजिए, है ना, फोकस। अच्छा, मैग्निफिकेशन कब होगा, मैग्निफाइंग कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर बड़ा इमेज बनाना है तो वो एक ही कंडीशन था बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा बनाना है, छोटा से बड़ा बनाना है, तभी तो हम देख पा रहे ना चीजों को, छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके देखना है, वो कब हो पा रहा है, जब ऑब्जेक्ट को आप एफ और ओ के बीच में रखिएगा, याद कीजिए कंडीशन को, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑप्टिकल सेंटर और एफ फोकस के बीच रखिएगा, है ना, तो जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइंग बनता है, मतलब बड़ा बनता है। यस, बस बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई बड़ा अच्छा है। तो मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम, है ना, किसके बीच में रख रहे हैं, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट का मान के चलिए ए और क्या है, बी है। ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत ही बेहद है, एकदम बारीकी से समझेंगे। चलिए, पहला रे क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में लाएंगे, अगर पैरेलल में लाएंगे तो कंफर्म है कि ये कहां से निकलेगा, आपको पता है फोकस से निकलेगा, बहुत बढ़िया बात है ना, निकल गया। चलिए, पहला काम किए कि पैरेलल से ले गए तो फोकस से निकला, और सेकेंड काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का एक और रे निकलवाइए, एक रे और पास करवाइए, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बेटा ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जा रहा है, एकदम बारीकी से समझिएगा, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, बहुत बढ़िया बात है ना, एकदम बारीकी से समझेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आगे कभी मिलेगा, ये कभी नहीं मिलने वाला है, देखिए एकदम कभी मिलने वाला है नहीं, है ना, ये कभी नहीं मिलने वाला, देखिए, है ना, कभी नहीं मिलने वाला है, इमेज बनाना है भाई, तो क्यों ना ऐसा करें कि आगे तो कभी पॉसिबल है नहीं, अगर इसको हम पीछे एक्सपैंड करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, है ना। चलिए बढ़ाते, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं तो कुछ ऐसा देखिए मिल रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, एकदम बारीकी से समझिएगा, बहुत ही इजी है, वैसा कुछ खास है नहीं, है ना, कुछ, है ना, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है ना। चलिए, एकदम एकदम बारीकी से समझेंगे, हाँ
बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। देखिए है ना, ये कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। देखिए मिल गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जगह पे मिल रहा है, तो ये इमेज बन गया आपका। देखिए है ना, ऑब्जेक्ट यू था, इमेज यू था। अब ये इमेज को हम लोग ए डैश और क्या मानते बेटा, बी डैश मानते हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखिए आपकी आंख के सामने कुछ ऐसा होगा, है ना। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको इमेज बड़ा बनाना है भाई। मैग्निफाइंग M क्या था, है ना, मैग्निफिकेशन क्या है, ये एक्चुअली क्या है, रेशियो है कि कितना गुना ज्यादा इमेज बन रहा है ना, कितना गुना ज्यादा इमेज एंगल कितना बड़ा बन रहा है माइक्रोस्कोप लगाने के बाद। पहले माइक्रोस्कोप नहीं लगाए थे तो क्या था एंगल, और अगर माइक्रोस्कोप लगाए तो उसका एंगल कितना गुना से बढ़ जा रहा, वही तो है मैग्निफिकेशन भाई, है ना। चलिए ये था आपका, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन है आपका। अब क्या करते हैं कि यहां से बारीकी से समझते हैं कि अब एक ऑब्जेक्ट के दूरी को, यहां से आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के दूरी को हम लोग यू मानते हैं, क्या मानते हैं। और बेटा आपका आई यहां पे है, बहुत सॉरी यार, सॉरी यार, लाइट चला गया, इन्वर्टर भी शट डाउन। चलिए तो है ना, तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये माइक्रोस्कोप का कुछ कंस्ट्रक्शन था, है ना। चलिए अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के दूरी को यू हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आई था, है ना, ये मेरा आई है, बहुत क्लोज है मेरा आंख, है ना, बहुत क्लोज है मेरा आंख, लेंस के करीब है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि हम इमेज जो बनाए हैं, है ना, इमेज जो बना रहे हैं, मान के चलिए ये मेरा इमेज, यहां से यहां तक का दूरी जो है यही इमेज तो मेरा क्या भी है, इमेज दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। अब बेटा ये भी जो है वो डी के बराबर हम लोग लिख रहे हैं। सर ये डी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डी हम बताएं कि इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंट डिस्टिंक्ट ऑफ दिस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एल डी डी बी पे सपोज करे हैं कि ये इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, डी पे बन रहा है, ये सपोज किए हुए थे, है ना। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए तो करना पड़ा था, है ना। अब यहां से क्या करते हैं कि अब मैग्निफिकेशन निकालते भाई, है ना। अब ये मैग्निफिकेशन अगर निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन पाइप मैग्निफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला था बताइएगा आप यहां पे, मैग्निफाइंग पावर आप बताइए क्या इसका क्या डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन क्या था, एंगल, है ना, ध्यान से देखिएगा, एंगल फॉर्म्ड बाई व्हाट, इमेज एट द आई, है ना, आई के पास, ये आंख के द्वारा जो एंगल बन रहा था इमेज का, बटा बटा बटा, है ना, एंगल, है ना, एंगल, ध्यान से एकदम देखिएगा, एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज सपोज टू बी, व्हेन इट इज सपोज टू बी एल डी डी भी, यही तो था। अगर ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझ आया तो फिर से कोशिश करेंगे हम कि समझाने का, है ना। चलिए ये मैग्निफाइंग पावर के लिए क्या था कि एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द आई, ये आंख है, आंख के द्वारा, अच्छा ये इमेज बना, है ना, ये इमेज बना। अब ये इमेज जो बन रहा है, ये वाला इमेज बना यहाँ पे, अब ये इमेज के द्वारा कितना एंगल का फॉर्मेशन भाई, यही तो है मेरा इमेज, देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा, यही तो मेरा इमेज बन रहा है भाई, तो इसके द्वारा ये एंगल कितना बन रहा है वो मान के चल रहे ये बीटा है, वो क्या मान के चल रहे, बीटा बन रहा है वो एंगल, है ना, वो एंगल हम अपने से क्या माने, बीटा माने। बहुत बढ़िया बात है, श्योर। एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना एंगल बन रहा है वो कैसे पता चलेगा, एट आई, आई के पास, व्हेन इट इज सपोज टू बी एट एट इट इज सपोज टू बी एट एल डी डी भी, ये तब इमेज ऑब्जेक्ट का एंगल बताना है जब ये कहां पे रखा गया है,
एलडीडीबी पे रखा गया है, तब का एंगल हमको बताना है भाई, वही है मैग्नीफाइंग का डिफिनेशन। तो हम क्या करें? तो अब बताओ मेरे को कि ये वाला लेना है क्या, यही मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन डी है या ये वाला डिस्टेंस है, यहां तक है ना। मींस क्या मानना है कि अब ए बी जो यहां यू लेना है, अब वो उसके लिए अगर एंगल निकालना है, अब यहां ना लेकर के इस पोजीशन पे ना लेकर के इसी पोजीशन पे हमको यहां लेना पड़ेगा, ये वाला दूरी लेना पड़ेगा, है ना, यहां लेना पड़ेगा। मान के चलिए कि इसका पी है और ये इसके थ्रू जो एंगल बन रहा होगा, है ना, इसके थ्रू जो एंगल बन रहा होगा आई के पास, है ना, वही एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, वही एंगल जो भी होगा, ये देखिए ये मेरा पहले का एंगल कितना था बीटा, और ये जो भी एंगल बन रहा है ये वाला है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा, ये एंगल, ये वाला। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पे दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये उच्च अल्फा बीटा, ये अल्फा और बीटा अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा दिक्कत होगा भाई, नहीं भी आएगा तो एट लास्ट यू हैव टू क्रैम इट। मैग्नीफाइंग पावर को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एम बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा अपन अल्फा, आसानी से लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे हमारा। ये अल्फा को थोड़ा गौर से समझिए, अल्फा हम यहां क्यों ले रहे हैं, अल्फा को अगर समझना है तो एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल जो भी बन रहा है। तो भाई आपको लग रहा कि सर ऑब्जेक्ट तो ये भी है तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा, नहीं, इसके लिए नहीं, एंगल हमको लेना है ऑब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन कब, जब ये ऑब्जेक्ट को कहां माने, सपोज टू बी एट कहां पे, एलडीडीबी पे, भैया एलडीडीबी भी तो यहां है ना, ये वाला डिस्टेंस हम माने ना डी, एलडीडीबी तो मेरा ये है, तब यहां पे जो ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बन, सॉरी एंगल बन रहा है, वही एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। देखिए ये एंगल पूरा बीटा, ये एंगल पूरा बीटा, क्योंकि इमेज इसके द्वारा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा क्यों, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा था। चलिए अगर ये समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए, हो सकता नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं समझाने का कोशिश करूँ, है ना, और ए डोंट वरी, है ना, आगे भी ये आएंगे तो यू डोंट वरी, है ना, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बराबर बीटा अपन अल्फा, बीटा क्यों लिखे, बीटा क्योंकि एंगल था इमेज के द्वारा, ये इमेज बना था तो इसके द्वारा एंगल हम लिए। अच्छा यहाँ थोड़ा हॉटस्पॉट टाइप का लग रहा है तो इसको हम ठीक से कर लेते हैं, हाँ थोड़ा गौर से देखिएगा, चलिए हॉटस्पॉट टाइप का लग रहा है, कन्फ्यूज ना हो, है ना, इसके लिए हम ठीक से फिर से कर देते हैं, है ना, एक्चुअली समझना था मेरे को, इसीलिए मान के चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ये ए और बी है ना, ये जा रहा था रे, ये था आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, तो ये वाला एंगल जो बना आपका कितना बना बेटा, बीटा ना, है ना, और हमको बनाना था ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उसके द्वारा जो एंगल ये वाला जो बन रहा था उस एंगल का नाम क्या है, अल्फा है, दिस इज अल्फा, बस यही तो है ना। चलिए अब यहां पे बात करते हैं पूरा रे ऑप्टिक्स में, आपको पता है कि एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, यहां पे सीन्स हम लोग लिख सकते हैं, सीन्स आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि सीन्स, है ना, सीन्स अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल, स्मॉल एंगल, है ना, सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, कि m बराबर हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ध्यान से देखिएगा, m बराबर लिख सकते हैं tan बीटा अपन tan अल्फा, कोई दिक्कत है क्या, आसानी से लिख सकते हैं, tan बीटा को आप बीटा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा भी लिख सकते हैं, कब, जब एंगल बहुत छोटे होते, पूरा रे ऑप्टिक्स में तो बात किए थे, है ना। चलिए अब यहां से क्या करिए कि tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालिए, मजा लगेगा, बस खत्म हो गया डेरिवेशन, चुटकी भर में खत्म,
खत्म डेरिवेशन। अगर टेन बीटा टेन अल्फा यहाँ से निकल गया तब तो बल्ले बल्ले, तब तो चुटकी भर में 5 मिनट भी नहीं लगेगा फिर बनने में। करते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं और बाकी हम लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है कैसे है ना। चलिए रेडी हो जाइएगा, बहुत आसान है एकदम, बिल्कुल रेक्टिफिकेशन नहीं करना है आप लोगों को, है ना, एकदम आ जाते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m बराबर tan, क्या लिख सकते हैं, बीटा अपन tan अल्फा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आते हैं अब ये ट्रेंगल, अगर बीटा निकालना है, ये एंगल बीटा अगर निकालना है तो आप गौर कीजिए, है ना, ये एंगल बीटा निकालना, तो आप ये ट्रेंगल भी ले सकते हैं, ये छोटा वाला ट्रेंगल भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, है ना, आप ये छोटा वाला ट्रेंगल भी ले लो, ये बड़ा वाला ट्रेंगल भी, आप गौर कीजिए, ऐसे है कुछ, ऐसे है कुछ, है ना, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या है बी डैश है, यहाँ पे क्या है ए डैश है, और यहाँ पे क्या है मेरा, है ना। चलिए चलिए यहाँ तक लेना है ये पूरा, मान के चलिए ओ है तो ये ओ ए बी में लेंगे, है ना। तो आते हैं राइट ट्रेंगल, है ना, किसमें किसमें आते हैं हम लोग, है ना, ओ डैश फ्रॉम राइट ट्रेंगल, फ्रॉम राइट ट्रेंगल ओ ए डैश बी डैश आते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर है ना p बाई क्या होता है आपको पता है, tan बीटा बराबर ये हो जाएगा a डैश b डैश अपन क्या हो जाएगा a डैश o डैश हो जाएगा, आपको पता है पहले से, है ना, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड, अरे tan थीटा बराबर तो आपको पता है ना, तो वही है tan बीटा, आपका ये परपेंडिकुलर आ गया, आपका ये बेस आ गया, तो बेस कितना है ए डैश ओ है और परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है। इसी तरह आते हैं किस ट्रायंगल में, फ्रॉम अगेन अगेन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें किसमें, ए डैश पी ओ में आते हैं, है ना, ओ ए डैश पी में आते हैं, लिख सकते हैं यहां पे क्या, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्या, ए डैश पी बटा क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, आसानी से लिख सकते हैं ए डैश पी, ए डैश पी, है ना, क्योंकि हम अब छोटा सा ट्रेंगल में बात करें, ये तो बीटा हो गया, अब यहाँ से एक मेरा कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा था, ऐसा था, ये मेरा पी था, ये एंगल कितना था मेरा अल्फा था, तो इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, अब छोटा सा एंगल का बात कर रहे हैं कि ये छोटा सा एंगल में हमको अल्फा निकालना है तो क्या आएगा, तो ए आ गया ए डैश पी बटा क्या आ गया, ये दूरी जो भी है ना, वो दूरी क्या था ए डैश ओ था। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, है ना, वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, थोड़ा देखिए, एम बराबर था टेन बीटा अपन टेन अल्फा, टेन बीटा का वैल्यू क्या आया बच्चा, है ना, ए डैश बी डैश बटा, सॉरी आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, टेन बीटा की जगह पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ बटा, ये तो टेन बीटा की जगह पे हो गया, अब गौर से देखिए, ये देखिए, है ना, वैल्यू पुट कर रहे, कुछ नहीं कर रही यार, टेन अल्फा का वैल्यू बताइए क्या है, ए डैश पी बटा ए डैश ओ, कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला, ए डैश ओ, ए डैश ओ कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, ए डैश बी डैश अपन ए डैश पी बच जाएगा, देखिए कट करने के बाद, मीन्स वी गेट, है ना, हम लोग क्या पाए कि एम बराबर पाए ए डैश बी डैश अपन ए डैश पी पाए, देखिए गौर से देखिए, है ना, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, देखिए, अच्छा आप बताओ मेरे को, यहाँ थोड़ा सा और करते हैं कि भाई ए डैश पी को क्या लिख सकते हैं, आप ए डैश पी, ये दूरी को आप, ये हाइट को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, चलिए सोचो, ये ए डैश पी की ये हाइट को आप कुछ लिख सकते हो, सोचो सोचिए, सोच लिए तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा, जल्दी बताओ रे बाबू, जल्दी बताओ रे, अरे भाई ये ए डैश पी को क्या ए बी नहीं लिख सकते हैं, अरे यही हाइट तो यही हाइट है यार,
आप आसानी से ए ए बी को ए डैश पी तो लिख सकते हो, ये जो दूरी है वही तो ये दूरी है। मीन्स यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश अपन ए बी लिख सकते हैं, दिस इज द मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, हो गया कोई दिक्कत? अब मैग्निफिकेशन बराबर आ गया, ए डैश बी डैश बटा ए बी आ गया। एज वी नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जानो या नहीं जानो लेकिन आपको लिखना ये फर्ज है भाई। एज वी नो, हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये मैग्निफिकेशन बराबर आपको पहले से पता है कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बात है ना, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो क्यों ना, अगर ये m बराबर a डैश b डैश ab है और यही m बराबर hi बटा ho है, तो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, है ना, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a डैश b डैश बटा ab बराबर, है ना, hi बटा ho। और ये एच आई एच ओ किसके बराबर, भी बटा यू, यू कैन सर राइट भी बटा यू। अरे भाई आप पहले चीजों को याद करो ना, एच आई बटा एच ओ को हम लोग भी बटा, अरे हाइट ऑफ इमेज भी एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू आप लिख सकते हैं, पहले से भी लिखते आ रहे हम लोग। चलिए, तो ये आपका अभी हुआ नहीं है, बस हम लोग एंडिंग पोर्शन पे, यू डोंट वरी, है ना, फिर से हम लोग समझते हैं कि यहां तक आए कैसे पक्का। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाले, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, एम बराबर फॉर्मूला बीटा अपन अल्फा। ये बीटा क्या होता है, बेटा एंगल के द्वारा इमेज कितना बन रहा, सॉरी इमेज के द्वारा एंगल कितना बना, पता चला कि बीटा बन रहा है। अल्फा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल कितना बन रहा, कब, जब ऑब्जेक्ट को सपोज किया कि वो कहाँ पर है, वो डी पर है, एल डी डी वी पे है, तो इसके द्वारा जब एंगल बनाए तो अल्फा आया। बहुत बढ़िया बात है, यहां से टेन बीटा टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा टेन अल्फा को टेन अल्फा, एंगल बहुत छोटा था इसी वजह से लिख दिया। अब यहां से टेन बीटा टेन अल्फा का वैल्यू निकाले ट्रायंगल से बेटा, जैसे ट्रायंगल से निकाले मैग्निफिकेशन निकाले फॉर्म वैल्यू पुट करके, वैल्यू जैसे पुट करेंगे बेटा ए डैश वो ए डैश वो कटेगा, फाइनली आएगा ए डैश बी डैश बटा ए डैश पी। अब ए डैश पी को हम ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है वही मेरा ए डैश पी का है, तो यहां से ए डैश पी को हम ए बी लिख दिए, आसानी से हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एम बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा यू होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं m बराबर a डैश b डैश a डैश b डैश बटा a b आया, तो क्यों ना m m बराबर, ये दोनों को हम बराबर कर दें, मींस a डैश b डैश बटा a b बराबर b बटा u आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से कुछ लॉजिक की तरफ चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा थोड़ा। हाँ चलिए, इसको हम मिटाएं, रेडी, चलिए लिखिए थोड़ा जल्दी, इसको मिटाते हैं, है ना। हाँ हाँ, बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आ जाए तो बल्ले बल्ले, है ना, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ हाई फाई प्रोफाइल है नहीं, बस कंसंट्रेट करिए चीज़ों को, और एक बार समझने में, एक बार समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, है ना, वरना हो जाएंगे टल्ले टल्ले, रेडी। चलिए, अब हम लोग ये ला चुके हैं, है ना, हम लोग क्या ला चुके हैं कि ला चुके हम लोग ए डैश बी डैश अपन ए बी बराबर वी बाई यू। बहुत बढ़िया, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपन ए बी बराबर लिख सकते हैं डी बटा यू। क्यों लिख सकते हैं, सिंस 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 हम लोग लिख सकते हैं कि भी बराबर डी एट एल डी डी भी। हम लोग पहले ही माने हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा, मतलब डिस्टेंस लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा पहले, है ना, ये जो दूरी माने थे वो डी माने थे, याद कीजिए भी बराबर डी, है ना, तो ये भी के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, डी लिख दिए, है ना। ये देखिए आसानी से, मीन्स ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर डी बटा यू आ गया, एंड यू कैन राइट व्हाट कि यही तो मेरा मैग्निफिकेशन है, देन यू कैन राइट एम बराबर डी बटा यू। देखिए, है ना, अब अगर इसको साइन के साथ भी पुट कीजिएगा, डी बाई यू को अगर साइन के पुट, है ना, दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू विथ साइन, अगर साइन के साथ पुट भी करोगे तो क्या आएगा बताइए, एम बराबर आया है डी बाई यू, है ना। अच्छा, डी लेफ्ट साइड,
जिधर से रे आ रहा है अगेंस्ट यू यू देखिए है ना माइनस, बहुत बढ़िया बात है माइनस डी, यू भी उधर ही है, रे इधर से आ रहा है ये इधर जा रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना मेरे को, कोई भी डिस्टेंस ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम यहाँ यहाँ मतलब ओ बोले तो ऑप्टिकल सेंटर भाई ये इधर तो माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कटेगा, फाइनली डी बाई क्या आ गया यू आ गया है ना, ये एम बराबर डी बटा यू आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं फोर मानिए है ना, तीन माने थे, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन फोर। अब यहां से क्या करना है कि आप लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना, आप अगर यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे है ना, बहुत आसान है फ्रॉम लेंस है ना, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला देखिए कितना आसान है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला है ना क्या है, आप जानते हैं कि 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f होता है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत है क्या, बहुत बढ़िया बात है, क्यों ना ऐसा करते हैं, क्यों ना ऐसा हम करें कि ये भी के जगह पे हम क्या लिख दें, भी के जगह पे क्या डी लिख सकते हैं आसानी से, ओहो भी के जगह पे आप डी लिख सकते हैं, आप बताओ मेरे को भी के जगह पे आप डी लिख सकते हो, यस क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले माने हैं कि इमेज कहां पे बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बोले तो डी पे बना है, तो आसानी से यहां पे हम भी को लिख सकते हैं डी, लेकिन साइन के साथ आप पुट करिए तो लिख सकते हैं कि 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ, और आसानी से आप लिख सकते हैं माइनस 1 बटा डी, ये माइनस को ऊपर ले जाइए, माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत है क्या, यू को भी साइन के साथ पुट कीजिए, माइनस है यहाँ पे, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फाइनली हम लोग क्या पाएंगे 1 by u माइनस 1 by d इक्वल टू 1 by, अरे भाई ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हम पहले लिख दिए और ये टर्म को बाद में लिख दिए है ना, 1 by d ऐसे कुछ लिख दिए बराबर 1 by f। अब ऐसा क्यों ना करें हम भाई, ध्यान से देखिए कि डी से है ना मल्टीसाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग एकदम बारीकी से मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी है ना, वी गेट दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे देखिए क्या आता है, थोड़ा बारीकी से समझेंगे है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, वैसा कुछ हार्ड है नहीं है ना, आप डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, पर आएगा डी बटा यू माइनस d बटा d इक्वल टू d बटा f, ये d d कटेगा फाइनली आएगा d बटा u माइनस 1 इक्वल टू d बटा f आ गया। अब यहां से क्या करना है देखिए, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोला जाए है ना, यहां से बहुत ही आसान तरीका से है d बटा u, अब यहां से क्या करेंगे, ये d बटा u को हटाएंगे, पहले से हम लोग जानते हैं d बटा u है ना, डी बटा यू किसके बराबर है, एम बराबर है, देन यू कैन राइट कि डी बटा यू इक्वल टू डी बटा एफ प्लस वन, भाई ये माइनस को उधर ले गया तो प्लस हो गया, और ये डी बटा यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एंड एम बराबर आएगा डी बटा एफ प्लस वन, इसको और बढ़िया तरीका से लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं व्हाट, क्या लिख सकते हैं, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ, और यही मेरा प्रूव्ड हो गया डेरिवेशन कैसा लगा, यहां तक है ना, यहां तक डेरिवेशन है, आप यहां से लिख सकते हैं, ये d बटा u को लिख सकते हैं साइड करके कि फ्रॉम इक्वेशन 4 है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं है ना, इसको अभी मिटाते हैं फिलहाल के लिए है ना, और यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 है ना, कि m बराबर क्या था d बटा u है ना, जैसे ही m बराबर पुट किए तब हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, m बराबर 1 प्लस d बटा f, एंड दिस इज द व्हाट डेरिवेशन का प्रूव्ड हो गया है यही था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन है ना, अच्छा लगा, बहुत ही आसान है, कुछ वैसा मतलब नहीं है जो कि नहीं समझ रहा है ना, सिर्फ मैथ का कैलकुलेशन करना आपको यहां सर, वैसा कुछ है नहीं है ना भाई, यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो कि m बराबर d बटा u आया है ना,
अब यहां से क्या करो कि लेंस फॉर्मूला का यूज करो। लेंस फॉर्मूला आपको पता है कि 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f होता है, yes you know already, है ना। अब साइन के साथ पुट कर दो कि v को हम d लिख दिए। आप यहां भी आप मेंशन कर सकते हैं कि v को d क्यों लिखे, क्योंकि हम पहले सपोज कर चुके हैं कि जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा, बोले तो डी पे बन रहा है भाई। डी पे लिए माइनस के साथ, माइनस इधर था है ना, ऑब्जेक्ट के सॉरी रे के अगेंस्ट में है, यू यू भी इधर ही अगेंस्ट में है, माइनस 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 प्लस हो गया भाई। अब ये प्लस हो गया तो इसको हम पहले लिख दिए, इसको हम बाद में लिख दिए, बराबर बराबर। अब ये ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डी से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी डी, ऊपर भी डी, और ऊपर भी डी आ गया भाई, ये डी 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 आ गया, ये डी 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 कट गया, बचा वन। अल्टीमेट डी बाई यू माइनस वन इक्वल टू डी बटा एफ, ये माइनस को उधर ले गए तो हो गया प्लस प्लस, और ये डी बाई यू ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं इक्वेशन नंबर फोर से। देखिए आ गया, जैसे पुट करेंगे अब आपका ये डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि एक नोट पॉइंट बनाते हैं, मान के चल के अगर इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फानाइट पे बन रहा है ना, एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ से, बहुत ही बेहद है, ध्यान से दीजिएगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चल यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं कि इफ है ना इमेज इमेज इज फॉर्म्ड है ना, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट वेयर, एट इनफाइनाइट है ना, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट देन है ना देन। अच्छा आप बताओ कि इमेज जो है इनफाइनाइट पे कब बनता है, इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे कब बनता है, भी जो है वो इनफाइनाइट पे कब बनेगा, जब यू जो है U जो है वो कहां बने, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, फोकस पे रखा जाए, आप इमेजिन करो ना है ना भाई, सोचने वाला, जब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आता है तो फोकस पे बनता है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां बनेगा। पर क्या था है ना, d बटा क्या था, u था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बटा f लिख सकते हैं, सॉरी हाँ d बटा f लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ फोर को देखिए कि m बराबर d बटा u है ना, तब लेकर के बात कर रहे हैं कि u के जगह पे f पुट कर दिए तो d बाई f आ गया। ये कब आ रहा है, जब इनफाइनाइट पे बन रहा है। अच्छा यहाँ पे ये एक्चुअल सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के डेरिवेशन है ना, बहुत ही आसान है, आप एक बार दो बार तीन बार बहुत टाइम देखो, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट फिर से लिखो कि समझ में नहीं आ रहा है, हम पक्का कंफर्म है कि फिर से समझाएंगे है ना, बहुत ही बेसिक है, एक बार फिर से रिव्यू करते कैसे कैसे आया है ना, एकदम बारीकी से समझते शॉर्टकट है ना। चलिए रेडी हो जाएं, एकदम तैयार हो जाएं, कैसे कैसे हम कर रहे हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे, कुछ बड़ा हार्ड है नहीं, रेडी चलिए एकदम ध्यान से देते। सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकाले, m निकाले, m बराबर क्या था, बीटा वट अल्फा था, फिर यहाँ से हम क्या निकाले, टेन बीटा, फिर क्या निकाले, टेन अल्फा, जो भी वैल्यू आया था उसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद फाइनली यू गेट कि m बराबर आ रहा था a डैश b डैश बटा a डैश p आ रहा था। अब a डैश p को हम फाइनली क्या लिखे थे, a डैश b डैश और a b लिख रहे थे, आसान था है ना। अब क्या करें कि मैग्निफिकेशन बराबर हम लोग जानते हैं कि एच आई बटा क्या होता है एच, और ये होता है वी बाई यू, तो फाइनली एम एम बराबर, तो ये भी बराबर मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वी बटा डी, अब ये सॉरी वी बटा यू हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वी है ना इमेज, इमेज कहाँ पे बन रहा था, सब कुछ किए थे डी पर, तो ये वी के जगह पे क्या लिख दिया, डी बटा यू लिख दिया, और यही ए डैश बी डैश बटा ए एम है ना, यही मेरा क्या था m था, m बराबर आ गया मेरा क्या d बटा u आ गया है ना, ये पहला था। अब यहां से कंडीशन बनाए है ना, कंडीशन इसी का यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला पे किए कि 1 by v minus 1 बटा u 1 by f, ये v के जगह पे क्या लिख दिया माइनस d, और u के जगह पे माइनस u, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनली 1 बटा u इक्वल टू एस 1 by u प्लस 1 by d सॉरी माइनस 1 by f। अब यहाँ से क्या कर दिए कि d से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, तो d बाई यू माइनस डी बाई डी इक्वल टू डी बाई एफ, डी डी कट गया फाइनली आ गया d बाई यू माइनस वन इक्वल टू डी बटा एफ, फाइनली ये उधर ले जाइए, देन d बटा यू इक्वल टू डी बटा एफ प्लस वन, और d बाई यू को ही हम लोग क्या लिखे थे, मैग्निफिकेशन, इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन, आ गया एम बराबर वन प्लस डी बटा एफ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही तो था डेरिवेशन, यही तो प्रूव करना था मेरे को है ना, यहाँ तक प्रूव करोगे तब जाकर के आपको 5 मार्क्स 100% मिलेंगे पक्का श्योर। ये था आपका आज का लेक्चर,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ही लेंस लिए थे, अब वहां पे दो दो लेंस। अच्छा एक चीज याद रखियो कि कभी कभी कोई बुक में देखिएगा तो ये यू जो लिखा है ना, वो यू के जगह पे यू ही दिखाई देगा आपको। जो ये एम बराबर आया है, डी बटा यू आ रहा है, वो एक्चुअली में यू ही लिखेगा। ई का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो है ना, वो लेंस एक्चुअली में कहाँ रखा गया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और वो लो लेंस मेरे बहुत करीब है ना। क्योंकि इसका ई का आगे वाले टॉपिक जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेकर डील करेंगे तब वहाँ क्लियरली समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जब दो दो लेंस बनाते हैं तो एक लेंस से मेरा आंख दूर होता है, एक नज़दीक होता है। इसी वजह से ई का मतलब सिंपली तो आई है ना, कि आई के करीब है, दैट्स व्हाई हम लोग यू ई लिखें। उससे कोई मतलब फर्क पड़ता नहीं है, है ना। बस यही था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग डील करेंगे, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और गुड नाइट, बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी, बाय।